गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी है बहुत ही क्विक हेल्दी ब्रेकफास्ट, सूजी के इडली। बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाते हैं। ना ही इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा और बनेंगे इतने सॉफ्ट सूजी के इडली कि आपके बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कमेंट करें मेरी वीडियो पे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल, छोटा सा कोई भी कप मेज़रमेंट के हिसाब से ले लो, एक कप सूजी, कोई भी सूजी ले सकते हैं आप, उसके हिसाब से आधा कप दही लिया है मैंने, कर्ड। कर्ड खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए। थोड़ी सी नमक। अब एक बड़ी सी बोल लेकर हम उसमें इन सबको ऐड कर लेंगे। एक कप सूजी, सेम कप के हिसाब से हाफ कप दही। यहाँ मैंने सूजी हल्की सी रोस्ट करके रखी थी पहले से, आप चाहे तो ऐसे ही सूजी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसे अच्छे से फेंट लेना है। विस्कर की हेल्प से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लम्स नहीं बनने चाहिए। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 20 मिनट्स तक रेस्ट देना है। आप चाहे तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैंने अभी ऐड कर लिया है इसमें। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी आनी चाहिए, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर वो पूरी बैटर फैल जाएंगी। तो सॉल्ट ऐड कर लिया है मैंने और इस मिक्सचर को तैयार करके मैं इसे साइड रख लूँगी, 20 मिनट का रेस्ट दूँगी। तब तक हम प्रिपेयर कर लेंगे चटनी की। आज मैंने बनाई है पीनट चटनी। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने रागी इडली और इडली, सॉफ्ट इडली कैसे बनाने हैं उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, वो भी देख लीजिए। तो 20 मिनट्स के बाद देखिए, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हैं, ना ही बेकिंग सोडा ऐड किया है और ना ही पाउडर ऐड किया है। जो नमक था बस उतना ही है। अब इडली स्टैंड को हम लगा देंगे गैस पर गर्म होने के लिए पानी रखकर, और यहाँ जो उसका पत्ती बर्तन है ना, प्लेट्स, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं और अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल ग्रीस करने से क्या होता है ना, इडली आसानी से निकल आते हैं। अब इसे अच्छे से लगाने के बाद जो बैटर है ना सूजी का, उसे उसमें डाल देना है और बस स्टीम करने को रखना है। हाई फ्लेम पे इसे स्टीम करना है 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। टूथपिक की हेल्प से आप सेंटर में देख लीजिएगा चेक करके। अगर स्टिक आपकी अच्छे से बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है कि इडली तैयार हो गए हैं। तो देखिए यहाँ सॉफ्ट इडली तैयार हो गए हैं, यमी है ना। तो जल्दी से कल के नाश्ते में अपने बच्चों के लिए ये सॉफ्ट इडली बनाने से और सर्व कीजिए अपने बच्चों को पीनट चटनी के साथ। हाँ जी, उनको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।